तो आ चुका हूँ फिर से एक नए फॉर्मुलेशन के साथ। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मल्टीपर्पज़ लिक्विड का मैंने फार्मूला दिया हुआ था, पूरी प्रोसेस बताई हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यार डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ये उसी मल्टीपर्पज़ लिक्विड के फॉर्मुलेशन का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम दूसरे तरीके से मल्टीपर्पज़ लिक्विड बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कमेंट पे बात करना चाहता हूँ। यार मुझे बहुत लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की हुई है अलग अलग फॉर्मुलेशन की, बहुत लोगों ने यार सपोर्ट किया है। भाई बहुत अच्छा लग रहा है जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे ही आगे सपोर्ट भी करते रहो और नए नए फॉर्मुलेशन के वीडियो मिलते भी रहेंगे। और मुझे जो फॉर्मुलेशन की वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही है, भाई सबकी जो रिक्वेस्ट है उस पर प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस किस चीज़ की चल रही है, देखो मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत बड़े पैमाने पर हो चुका है, हर एक बंदा कंपटीशन पे इस वक्त काम कर रहा है। और दिक्कत क्या हो रही है कि भाई पब्लिक को सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, सस्ते प्रोडक्ट के साथ ही उन्हें एक बेटर प्रोडक्ट भी चाहिए। और जो मार्केट में जो अभी प्रोडक्ट चल रहा है, अगर आप उस बेस पे जो फॉर्मूले सब होते हैं उस पे आप प्रोडक्ट बनाओगे तो यार आपका प्रोडक्ट जो रनिंग कॉस्ट है उतना ही होने वाला है। तो मैं इस वक्त फॉर्मूलेशन बना रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट बना सको, जिसकी आपको जल्द से जल्द वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि यार जो रनिंग प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अलावा भी मैं कुछ और प्रोसेस पे कर रहा हूँ, थोड़ी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ प्रोसेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपका प्रोडक्ट सस्ते से सस्ता हो सके और अच्छे से अच्छा हो सके। तो जैसे जैसे फॉर्मुलेशन रेडी होती जाएगी आपको एक अच्छी फॉर्मुलेशन की वीडियो मिल जाएगी, तो थोड़ा सब्र रखना। बाकी आज की वीडियो पे बात करते हैं। आज हम बनाने वाले दो प्रोडक्ट बनाने वाले एक ही पर्पस से, एक होगा हमारा मल्टीपर्पस लिक्विड और एक होगा हमारा डिटर्जेंट लिक्विड। वो कैसे बनेगा, उसके लिए क्या चीज़ है सब बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये दो अलग अलग डब्बे ले लिए, जिसके अंदर एक में मैं डिटर्जेंट बनाऊंगा और एक में मैं मल्टीपर्पज़ लिक्विड बनाऊंगा। SLS लिया हुआ है लिक्विड को थिक करने के लिए, सॉल्ट लिया हुआ है जिससे थिक हो जाएगा, और ये जो है ना इसको बोलते हैं एंजाइम। एंजाइम होता क्या है, एंजाइम अगर आप सर्च करोगे तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी कि एंजाइम एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको आप पानी में डाल के उसको डायरेक्ट थिक कर दो, आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। जैसे कि एंजाइम डिटर्जेंट का आता है, तो ये एंजाइम मैंने डिटर्जेंट और मल्टीपर्पज़ लिक्विड का मैंने खुद बनाया हुआ एंजाइम है। ये आपको कहीं पे सर्च करने पे नहीं मिलेगा क्योंकि ये मेरा खुद का बनाया हुआ एंजाइम है। ठीक है, तो अब इससे पहले हम प्रोडक्ट बनाते, तो सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे मल्टीपर्पज़ लिक्विड। तो इसके लिए हम इसमें लेंगे 750 ग्राम पानी ले लेंगे, तो हमने 750 ग्राम पानी ले लिया है। और इसमें हम 200 ग्राम हमारा ये एंजाइम डाल देंगे। तो हमने 200 ग्राम एंजाइम इसमें डाल दिया है और अब इसके अंदर 40 ग्राम SLS डाल देंगे। तो अभी हमारा 40 ग्राम SLS हो चुका है और इसमें मैंने 10 ग्राम नमक लिया हुआ है जो SLS की मात्रा में 25% तक होता है। तो अब इसको हम कर देते मिक्स पहले थोड़ा सा, उसके बाद इसको कर देंगे हम थिक। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि भाई एंजाइम और कॉन्सेंट्रेट दोनों एक चीज़ होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजाइम अलग होता है और कॉन्सेंट्रेट अलग होता है। कुछ लोग ये एंजाइम की प्रोडक्शन करते हैं लेकिन इसके फॉर्मूलेशन आसानी से बाहर नहीं आते। ये मेरा खुद का बनाया हुआ एंजाइम है, इस पर मैं पहले प्रोडक्ट बना के बता देता हूँ, उसके बाद एंजाइम पे चर्चा करेंगे।
हमने इसमें डाल दिया है नमक। इसको कर देते हैं मिक्स अच्छे से। अभी हमारा मल्टीपर्पस लिक्विड बनके रेडी हो चुका है, यह थोड़ा आराम से गिर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा थिकनेस कम है, इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देता हूँ। नमक की मात्रा पानी के बेस पे होती है, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप एरिया में जो पानी आता रहेगा उस पर आप किस तरीके से नमक कितना यूज़ कर सकते हो, तो वो वीडियो की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लेना, जिससे कि आपका लिक्विड अगर पतला हो रहा है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, एकदम गाढ़ा। ये देखो, ये ठीक हो चुका है। इसको अगर और ठीक करना हो तो आप इसमें नमक की मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, जिससे थोड़ा और ठीक हो जाएगा। तो अभी हमारा मल्टीपर्पस लिक्विड बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें ज़रूरत है केवल परफ्यूम डालने की, और कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो ऐसे इसको बेच सकते हो। ये मल्टीपर्पस लिक्विड हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब इसी चीज़ से हम बनाएंगे हमारा डिटर्जेंट लिक्विड। डिटर्जेंट लिक्विड बनाने के लिए हम इसमें लेंगे 800 ग्राम पानी। एक स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, इससे आप दोनों प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो। तो इसमें मैंने 800 ग्राम पानी ले लिया है, और इसमें मैं 150 ग्राम एंजाइम डाल दूंगा। तो इसमें 150 ग्राम एंजाइम डाल दिया मैंने। और इसमें 40 ग्राम SLES डालना है, तो 40 ग्राम SLES भी हम डाल देते हैं। ये 40 ग्राम SLES हो चुका है। अब इसको हम कर देंगे मिक्स, और फिर इसमें डाल देंगे हम नमक, जिससे कि ये हो जाएगा ठीक। अब इसमें हमने पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, तो हम नमक को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। जो हमने मल्टीपर्पज़ में 15 ग्राम लिया था, हम इसमें 20 ग्राम नमक ले लेंगे। ये सादा नमक है। तो 20 ग्राम नमक ले लिया है, ये देख सकते हो। अब इसको डाल देते हैं इसके अंदर, और इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। ये एक प्रोडक्ट से आप डिटर्जेंट और मल्टीपर्पस लिक्विड दोनों ही चीज़ें बना सकते हो। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा, और काफ़ी लो कॉस्ट पे ये प्रोडक्ट रेडी होगा, बहुत ही लो कॉस्ट पे। इसकी थिकनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है। इसमें आप जितना SLES लोगे उससे करीब ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक आप नमक डाल दो। अगर आपने 40 ग्राम SLES लिया है तो आप 20 ग्राम तक नमक डाल सकते हो। इसकी थिकनेस यार बहुत ही ज़्यादा वास्तव में, देख सकते हो बहुत ही ठीक हो चुका है ये, काफ़ी बेहतर है। तो अब ये दोनों प्रोडक्ट एक ही चीज़ से हमारा बनके रेडी हो चुका है, ये डिटर्जेंट लिक्विड और ये मल्टीपर्पज़ लिक्विड। दोनों ही काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, इसकी ट्रांसपेरेंसी देख लो, दोनों ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
तो अब बात करते हैं ये एंजाइम बनाने की प्रोसेस के बारे में कि ये बनता कैसे। तो भाई इसका जो फॉर्मूला है इसको बनाने का, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये 1 लीटर अगर आप बनाते हो तो 1 लीटर में से आप अगर लो क्वालिटी से लेके अब मैं बताऊँ मीडियम क्वालिटी का भी अगर आप डिटर्जेंट लिक्विड बनाना चाहते हो ना, तो 1 लीटर में आप 6 से 7 लीटर आप लिक्विड बना सकते हो। हाई क्वालिटी का बनाना चाहते हो तो 5 लीटर तक बना सकते हो, और अगर लोकल क्वालिटी का आप डिटर्जेंट लिक्विड बनाना चाहते हो तो आप 9 से 10 लीटर लिक्विड आप डिटर्जेंट लिक्विड बना सकते हो 1 लीटर से। मतलब समझ लो कि इसकी 1 लीटर मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3500 रुपये हो रही है। तो अगर आप 7 लीटर तक भी बनाते हो तो आपका ये प्रोडक्ट 1 लीटर में करीब 7 रुपये, 6 से 7 रुपये तक में जाएगा, उससे भी कम होगा, 5 रुपये तक में आपका जाएगा। बाकी आपका SLES होगा, नमक होगा और परफ्यूम होगा। और मल्टीपर्पज़ लिक्विड बनाना चाहते हो तो आप इस 1 लीटर में 4 से 5 लीटर तक आप बना सकते हो, अच्छी क्वालिटी का मल्टीपर्पज़ लिक्विड आपका बन के रेडी हो जाएगा। इसको बनाते कैसे, तो भाई इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मूला और प्रोसेस ये अगर आपको बनाना सीखना है तो इसके दो प्रोसेस होगी आपको सीखने की। पहली तो मैं दिवाली के बाद ट्रेनिंग शुरू करने वाला हूँ, ट्रेनिंग देना, तो अगर आपको ये बनाना सीखना है तो आप दिवाली के बाद ट्रेनिंग से आप सीख सकते हो। और दूसरा अगर आपको अर्जेंटली में ये चीज़ सीखनी है तो भाई इसका फॉर्मूला आपको परचेस करना होगा। इसका फॉर्मूला आपको परचेस कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपको इसकी पूरी परचेस की आपको प्रोसेस बता दूंगा, परचेस की कॉस्ट कितनी होगी और आप इसको कैसे डाउनलोड करके आप इसको कैसे बना सकते हो, कम्प्लीटली पूरा मैं इसको आपको प्रोसेस बता दूंगा अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो। और अगर आपको अर्जेंटली नहीं चाहिए तो आप इसको, मैं दिवाली के बाद ट्रेनिंग अरेंज करूँगा तो आप ट्रेनिंग में इसको सीख सकते हो। अगर आप सीखना चाहो, ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहो तो आपको मैं ये दिवाली के बाद ट्रेनिंग में सिखा दूंगा। दूसरी चीज़ जो मुझे रिक्वेस्ट आ रही है भाई बहुत सारे फॉर्मुलेशन की, मैं एक बार दोबारा बोलना चाहूँगा, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेस चालू है। देखो ऑलमोस्ट जितने भी रॉ मटेरियल हैं सबकी प्राइस अभी काफ़ी बढ़ी हुई है, जिससे होता क्या है जो पुराने फॉर्मुलेशन है उसके बेस पे अगर आप प्रोडक्ट आपका बनाते हो तो उसकी आपको खुद को ही प्राइस काफ़ी बढ़ के हो जाएगी, तो आप प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं सेल कर पाओगे। आप सेल करोगे तो भी आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ अलग अलग तरीके के मैं फॉर्मुलेशन बना रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, जिससे एक बेहतर प्रोडक्ट बन सके। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट रेडी होता जाएगा आपको वीडियो मिलती जाएगी इस चैनल पे, आपको बेस्ट फॉर्मुलेशन की लो से लो प्राइस की आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैं खुद भी बना के बेचता हूँ। मुझे पता है भाई मार्केट में कॉम्पिटिशन कैसा चल रहा है, बहुत ही गंदा कॉम्पिटिशन हो चुका है भाई इस वक्त। अगर आप 10 रुपये में बेच रहे हो तो 9 रुपये में बेचने वाले खड़े हैं, आप 9 में बेचो तो 8 में बेचने वाले भी खड़े, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है। इसमें कस्टमर को सेटिस्फाइज करना, एक बेटर प्रोडक्ट देना और लो कॉस्ट पे प्रॉफिट कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए मैं ये चैनल दिया हूँ ताकि आप लोग भी यार अच्छा प्रॉफिट कमा सको जो लोग इस बिज़नेस से रिलेटेड है, किसी को दिक्कत ना आए, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत पहले दिक्कत आ चुकी है। तो यार ऐसी सिचुएशन और किसी की ना हो, बस मेरा मेन पर्पज़ यही है। बाकी जो आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और जैसे जैसे वीडियो आती जाएगी मैं आपको बता दूंगा। इसका अगर आपको फॉर्मूला अभी परचेस करना है तो मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर मुझे कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको इसकी परचेस कॉस्ट और पूरी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। और आपको अगर अभी नहीं करना है तो जब मैं ट्रेनिंग अरेंज करूँ तब मैं बता दूंगा, आप तभी भी इसको सीख सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलूँगा अगले वीडियो में।